हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस। सो हम अपना डेली नॉलेज बूस्टर आगे बढ़ाते हुए आज का कुछ टॉपिक ऐसा है, ये न्यूज़ रही थी बेटा अभी थोड़े दिन पहले कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किनके बीच में? पॉटर्स के बीच में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक स्कीम है बेसिकली कुम्हार सशक्तिकरण योजना, उसके तहत हमारे मिनिस्टर जी ने इनको 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स दिए। तो हम सोच रहे थे कि डिस्कस कर लिया जाए कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना आखिर है क्या। लेट्स सी, कुम्हार सशक्तिकरण योजना क्या है बेटा? कुम्हार का मतलब होता है पॉटर, जो पॉटरी करता है उसका मतलब होता है कुम्हार। सशक्तिकरण योजना का मतलब होता है एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण का मतलब होता है एम्पावरमेंट, योजना मतलब स्कीम। तो बेसिकली क्या है कि ये एक इनिशिएटिव है किसका? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, उसका ये इनिशिएटिव है। ये चाहते हैं कि हम अपने पॉटर्स को एम्पावर किया जाए। कैसे किया जाए एम्पावर? कि उनको जितने भी प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दिए जाएं। जैसे हमने क्या दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पॉटर। आपने पहले देखा होगा कि पहले मिट्टी के पॉटर्स होते थे, व्हील के ऊपर चलते थे, लोग उसी पे काम करते थे। अब यहाँ पे क्या आ चुके हैं? इलेक्ट्रिक पॉटर्स आ चुके हैं। इस स्कीम का रीच आउट कहाँ कहाँ पर है बेटा? कौन सी स्टेट में है? यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, और J&K है, हरियाणा है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड बिहार। याद रखना ये स्कीम पैन इंडिया स्कीम नहीं है। पैन इंडिया स्कीम का मतलब ऑल इंडिया लेवल पे नहीं चल रही, ये स्कीम बस इन्हीं स्टेट्स में चल रही है, इन्हीं स्टेट्स में इसका बेनिफिट को दिया जा रहा है। करती क्या है स्कीम? ट्रेनिंग फॉर एडवांस्ड पॉटरी प्रोडक्ट्स। जितने भी पॉटरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ट्रेन करेगी। किसको ट्रेन करेगी? जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी आज ये काम कर रहे हैं उनको ट्रेन करेगी। फिर क्या करेगी? लेटेस्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी पॉटरी इक्विपमेंट्स, जितने भी लेटेस्ट हैं न्यू टेक्नोलॉजी जो यूज की जा सकती है इस बिजनेस के अंदर, उसका लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगी कि ताकि वो लोग लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे ना रह जाएं, ठीक है। और ऊपर से क्या करेगी बेटा? मार्केटिंग लिंकेजेस भी प्रोवाइड करा के देगी। जैसे कि जितने भी हमारे, अब मान लो कि किसी ने अपना प्रोडक्ट बनाया बट उसके पास वो प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट ही नहीं है, उसके पास वो बेचने को दिखाने को पता ही नहीं है, उसे कहाँ दिखा सके, कहाँ बेचा जा सके। तो इस योजना का ये भी काम है कि मैं उसे मार्केटिंग लिंकेजेस प्रोवाइड करा सकूं, उसके लिए एग्जीबिशंस बना सकूं कि हाँ, जहां पे वो अपना प्रोडक्ट दिखा सके और लोग वहां से उसका प्रोडक्ट खरीद सके। इसलिए योजना किस लिए बेटा? हमारे जितने भी पॉटर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए। इसमें हमारी गवर्नमेंट क्या करा रही है बेटा? उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे रही है, लेटेस्ट इक्विपमेंट दे रही है, और उनको ट्रेन कर रही है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे बेनिफिट उठा सके अपना, और उनको मार्केट अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। अब मैंने सोचा कि इस योजना की बात हो रही थी, जिसने इस योजना को लॉन्च किया खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उसकी भी बात कर ली जाए। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। विच इज फॉर्म्ड इन 1956 में बनी थी ये, ठीक है। ये किसके अंडर आती है बेटा? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आती है। आपने सुना होगा ना MSME के बारे में बहुत कहा जाता है न्यूज में कि MSMEs को रोटेट कराओ, MSMEs के लिए पैकेज चाहिए। ये वैसे ही उसको एक मिनिस्ट्री देखती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसके अंडर ये बॉडी आती है हमारी, ठीक है बेटा। इसके फंक्शन क्या है? ये KVIC का फंक्शन क्या है, जो कमीशन, इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये प्लान करे, प्रमोट करे, ऑर्गेनाइज करे डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। जितनी भी हमारी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है रूरल एरिया में, उसको ये प्रमोट करे, उसके लिए प्लानिंग करे और उसके लिए ऑर्गेनाइज करे ताकि वो इंडस्ट्री बूम करे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ जाएगी बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री आ गई, मुस्लिन इंडस्ट्री आ गई, घर होममेड सोप इंडस्ट्री आ गई, हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री आ गई। आपने देखा होगा ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज विलेजेस में है, उन सब इंडस्ट्रीज का ध्यान रखा जाए, उन सब इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा प्लान निकाला जाए, उन सब इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। वो किसका काम है बेटा? खाली विद इंडस्ट्री का। वो इंडस्ट्रीज कहाँ फॉल करनी चाहिए? वो इंडस्ट्रीज फॉल करनी चाहिए रूरल एरियाज में, ठीक है बेटा। इट क्रिएट्स एंड मैनेज अ रिजर्व फॉर रॉ मटेरियल एंड सप्लाई देम टू प्रोड्यूस, क्रिएटिंग कॉमन सर्विस फैसिलिटीज एंड प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड्स। इसका काम क्या है कि ये प्रोवाइड कराएगी रॉ मटेरियल किसको? जैसे मान लो कि किसी इंडस्ट्री ने, किसी ने घर पे सोप इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है। अब उसको पर्टिकुलर रॉ मटेरियल चाहिए, वो इंसान मार्केट में जा रहा है, उसे वो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है,
तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का क्या काम है, उसको बोला कि टेंशन मत ले, तू मेरे पास आ, मैं तेरे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, मैं तेरे को कॉमन फैसिलिटी दूंगा 4-5 घरों के अंदर जहां पे सेम फैक्ट्री लगी है। मान लो कि 100 फैक्ट्री 5 घरों के अंदर लगी है, तो इन पांचों को जो इक्विपमेंट चाहिए वो मैं एक जगह पे सेटअप कर दूंगा, ये 5 लोग आके वहां पे अपना मटेरियल तैयार कर सकें और वापस घर ले जाके बेच सकें। ये बेटा क्या करती है, बेटा हमारे जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां के जो लोग हैं उनको रियल में एम्पावरमेंट कराती है, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री को जब बढ़ाएंगे ज्यादा तो उनके लिए उनके पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उनकी एम्पावरमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इट प्रमोट सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ खादी प्रोडक्ट्स। अब इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया पर उसको कोई खरीद नहीं रहा, अब एडवर्टाइजमेंट ही नहीं हो रही उस प्रोडक्ट की। आपने भी कभी शायद किसी ने अपनी जिंदगी में खरीदा हो कभी खादी प्रोडक्ट, मेरे को नहीं पता किसी ने खरीदा है कि नहीं, पर जरूर खरीदिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है रूरल इंडिया की। जब रूरल इंडिया की हेल्प होगी तो ऑटोमेटिकली इंडिया की हेल्प होगी। तो इसको प्रमोट करना, उसकी सेल करना, उसको मार्केट में लाना किसका काम है बेटा, केवीआईसी का। इट इनकरेजेस प्रमोट रिसर्च इन प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट इन खादी इंडस्ट्रीज। ये भी प्रमोट करती है कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं इनमें रिसर्च होती रहे ताकि कि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोप्स की बात कर रहे थे, पहले एक सोप को बनाने में 4 दिन लग रहे थे, तो खादी विलेज इंडस्ट्री क्या करेगी बेटा, ये कमीशन यही करेगी कि हम कुछ ऐसा तरीका निकालें, ऐसी टेक्निक अपनाएं कि जहां से 4 दिन से घट के 2 दिन हो जाए, ताकि कि वो जो सोप पहले 5 दिन में 10 सोप प्रोड्यूस कर रहे थे अब वो 20 सोप प्रोड्यूस करें। ठीक है, समझ आ रहे। ये बेसिकली किसके लिए हमारा खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, किसके लिए, रूरल एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, किसके अंदर है बेटा, अब आपको इंपॉर्टेंट क्या चीजें याद रखनी है, ये कि है कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंदर है बेटा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम के अंदर काम करती है, और कब बनी थी, 1956। क्लियर है, समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो देख लेते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है बेटा जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हो। जैसे मान लो कि पार्लियामेंट में आपने बिल लाया और एक बोला कि इस बिल से हम एक बॉडी का गठन करेंगे, इस बिल से हम एक नई बॉडी को बनाएंगे, उस बॉडी को हम कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे खादी विलेज इंडस्ट्री जो बॉडी थी, ये जब बनाई गई थी किस एक्ट से बनाई गई थी, एक पर्टिकुलर एक्ट से बनाई गई थी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। देख रहे ना, एक्ट लिखा हुआ है इसके साथ, मतलब ये एक्ट कैसे बना होगा, पहले ये बिल होगा, फिर पार्लियामेंट से पास हुआ होगा, फिर ये एक्ट बना होगा, तो मतलब इसका गठन किसने किया था, पार्लियामेंट ने किया था। वैसे ही स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज होती हैं कि जिनका गठन पार्लियामेंट करता है। दीज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि इनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया होता। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन नहीं किया होता। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बॉडीज ड्यू टू देयर फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं ड्यू टू देयर फंक्शन। ऐसा मतलब नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने अभी इसका फंक्शन देख ही लिया कि रूरल इकोनॉमी के लिए खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यही जो मैं आपको बता रहा था कि एक्ट बाय पार्लियामेंट। दे आर स्टैट्यूज, सिंस स्टैट्यूज आर द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टैट्यूज आर द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। याद रखना, जैसे ये पार्लियामेंट का है, कोई एक स्टेट लेजिस्लेचर भी एक बॉडी बना सकती है, बट वो बॉडी जो होगी वो खाली स्टेट के अंदर काम करेगी। जैसे पार्लियामेंट के अंदर बॉडी बनाई जाएगी पार्लियामेंट एक्ट से, वो ऑल इंडिया पे काम करेगी, बट अगर कोई एक स्टेट है वो अपने लिए कोई एक बॉडी बनाती है तो उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर से वो बॉडी पास होगी और उस पर्टिकुलर स्टेट में ही काम करेगी। तो इसकी एग्जाम्पल कौन सी दे रखी है, सेबी दे रखी है। ठीक है, ये कब बनाई गई थी, 1998 में 1992 एक्ट से। वही देखो कि जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं ये किसी न किसी एक्ट से बनाए गए हुए हैं। और इसकी एग्जाम्पल है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो भी इसकी एग्जाम्पल है। फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, वो भी इसकी एग्जाम्पल है। ऐसे काफी एग्जाम्पल है, बट आप ये समझ लो कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो एक पार्लियामेंट के लॉ से बनाई गई है या फिर एक स्टेट के असेंबली से लॉ से बनाई गई होती है। आई होप इट्स क्लियर। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होगी बेटा, एग्जीक्यूटिव बॉडी वो बॉडी होगी जो एक गवर्नमेंट डायरेक्टली बनाती है। डायरेक्टली मतलब कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से पास कराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा जो स्टैट्यूटरी बॉडी बन रही थी, ये हम किसी एक पर्टिकुलर एक्ट को पास करा रहे थे ना पार्लियामेंट से,
फिर जाके इसका गठन हो रहा था। पर वैसे ही जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं ये किसी हम पार्ट किसी एक्ट से पास नहीं करवाते, ये डायरेक्टली हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट खुद में डिसाइड करेगी कि हमें ये पर्टिकुलर बॉडी बनानी है, इसका पर्टिकुलर फंक्शन होगा, तो इसको एग्जीक्यूटिव स्टेटस दिया जाएगा। दे आर नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनाए गए हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अभी पहले प्लानिंग कमीशन होती थी, अब क्या है नीति आयोग, नेशनल लॉ कमीशन। जो नीति आयोग है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्ट से नहीं बनी है, वो बेसिकली क्या होता है, कैबिनेट डिसीजन आया था, उन्होंने कैबिनेट ने खुद डिसाइड करके नीति आयोग का गठन कर लिया था। बट अगर नीति आयोग एक स्टेचुटरी बॉडी होती तो उसको पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट से लाना पड़ता। तीसरी बॉडी जो आ गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है बेटा जिसका डायरेक्टली मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया होता है, जो डिराइव कर रही है अपनी पावर अथॉरिटी फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसकी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें, फाइनेंस कमीशन मेंशनड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यूपीएससी मेंशनड है, इलेक्शन कमीशन मेंशनड है, सीएजी मेंशन है, एक्सेट्रा, ये सारी डायरेक्टली की डायरेक्टली कहां पे मेंशनड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, ये जो बेसिकली मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी, ये तीन क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये क्लासिफिकेशन किसकी है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ बॉडी। एक सेकंड में नीचे लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ बॉडी, कि ओरिजिन कहां से हो रहा है बॉडी का, ठीक है, कैसे ओरिजिन हो रहा है। वैसे ही कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी, कि जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल है, वो हम फिर कभी पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा कि बॉडीज के बारे में समझ आया होगा, केवाईसी के बारे में समझ आया होगा, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुमार सशक्तिकरण योजना के बारे में आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।